ओम शांति। आप सबको स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सीख द सुधर ट्रुथ लाइज विद इन में। और आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 22वें दिन की, जहाँ पे परमपिता परमात्मा आज के वरदान में हमें सिखाते हैं कि किस तरीके से हम परमात्मा का ही सब कुछ सहयोग लें और संबंध को जोड़ें और समर्थी बने। तो देखें, आज परमात्मा पिता कहते हैं इस वरदान में, शीर्षक में बाबा कहते हैं, बाप के प्यार की पालना द्वारा सहज योगी जीवन। पालना भी हमें किसकी लेनी है? परमपिता परमात्मा की पालना। दुनिया वाले लोग एक दूसरे की पालन लेते हैं, एक दूसरे पर भरोसा करते हैं 100%, लेकिन परमात्मा कहते हैं सबसे ज़्यादा भरोसा मुझ पर किया जाए, और मैं जिसको निमित्त बनाऊँ, जिसके द्वारा आपकी सेवा कराऊँ या जिसके द्वारा आपको सहयोग दिलवाऊँ, वो सच्ची सेवा और सच्चा सहयोग होगा। तो पालना भी किससे लेनी है हमें? परमपिता परमात्मा से। तो बाप के प्यार की पालना द्वारा सहज योगी जीवन बनाने वाले स्मृति सो समर्थी स्वरूप भवा। अगर ये चीज़ याद रह गई, स्मृति में रह गई, तो हम गलत संगत में, गलत जगह पर जाकर के मदद मांगना या गलत ठिकाने पे नहीं पहुँचेंगे, हम बच जाएंगे। तो विस्तार में चलें, बाबा कहते हैं, सारे विश्व की आत्माएं परमात्मा को बाप कहती हैं, क्रिश्चियंस भी कहते हैं, गॉड फादर कहते हैं, और आदि सनातन धर्म जो है उसमें भी कहा जाता है तुम्हें वह माता स पिता, वहाँ तो पिता और माता भी कहा जाता है। लेकिन पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बनती हैं। वो तो भाग्य है कि अगर आपने इस जन्म में कई जन्मों की तपस्या पूरी कर ली हो, कई जन्मों की अगर आपने भक्ति पूरी कर ली हो, तो परमपिता स्वयं अपना परिचय अपने बच्चों को देते हैं। भल हम पिता तो कहते हैं, लेकिन वो पिता कौन है, कहाँ रहते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे हमारी सेवा करते हैं, और ज्ञान का सागर है तो वो ज्ञान कौन सा है? ज्ञान मतलब कि सारे सृष्टि का जो चक्र है, ये शुरुआत कब से हुआ, सत्युग कब था, स्वर्ग कब था, स्वर्ग कब खत्म हुआ, कलयुग कब खत्म होगा, ये सारा ज्ञान अगर हमारे पास में आ जाए, इसका मतलब हमने परमात्मा पिता को पा लिया और उन्होंने अपने सारे सीक्रेट्स जो हैं वो रिवील कर दिए। तो फिर बाबा कहते हैं, सारे कल्प में आप थोड़ी सी आत्माएं अभी ही इस भाग्य के पात्र बनती हो कि परमात्मा कुछ ही आत्माओं को ये सारे रहस्य खोल के देते हैं। दिन का दिल साफ और मन साफ हो तो ऐसी आत्माएं खुद भी हल्की रहती हैं और औरों को भी हल्का कर पाती हैं, और वो पुश्तैनी आत्माएं होती हैं। तो बाबा कहते हैं, तो इस पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप है सहज योगी जीवन। तो परमात्मा जिसको पालना करें, उनको परमात्मा की याद ना आए, ये तो हो ना सके। तो सहज योगी मतलब जो आत्माएं आसानी से परमात्मा से प्यार की पालना लेकर के अपने आप को परमात्मा से सदा जोड़ के रखती हैं, वह सहज योगी जीवन। फिर बाबा कहते हैं, बाप बच्चों की कोई भी मुश्किल बात देख नहीं सकते। जैसे लौकिक माता पिता भी क्या होते हैं, तड़पते हैं वो कि आए बच्चों को कुछ मुश्किल ना हो जाए, बच्चों को कोई परेशानी ना आ जाए, बच्चों को किसी चीज़ की कमी ना हो जाए। तो उसी तरीके से परमात्मा भी हमारे अंदर की कमी कमजोरी देख नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा चाहते हैं और जानते हैं और चाहते भी हैं कि हम अपनी कमी कमजोरी को जब हटाएंगे तब हमारे कर्म अच्छे होंगे और हमें किसी चीज़ का भी दुख नहीं होगा। तो इसलिए परमात्मा ज्ञान दे करके हमारी कमी कमजोरियों को हटा देते हैं, ताकि हम अच्छे कर्म करके अपने जीवन के जो भी दुख हैं उनको हटा पाएं अपने आप से। तो परमात्मा पिता हमें समर्थ बनाते हैं, केपेबल बनाते हैं। बच्चे खुद ही सोच सोच कर मुश्किल बना देते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, जब तुम मेरी छत्रछाया में नहीं रहते हो, मेरे से नहीं पूछते हो, मेरे से पूछना कैसे, मेडिटेशन जो कि हम सीखते हैं ब्रह्मा कुमारीज में, उसमें हम परमात्मा से डायरेक्ट बातें करते हैं और उनसे हम वार्तालाप करते करते अपने उत्तर पा लेते हैं। तो बाबा कहते हैं, जब तुम क्या कर लेते हो, मुश्किल कर देते हो सोच सोच करके, जिसको कहते हैं मन मत, अपनी इच्छा से करना, अपनी इच्छा से सोचना। और जब हम सारा बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं, परमात्मा कहते हैं कि बच्चे फिर मैं तुम्हारी कैसे मदद करूँ, अपने आप ही मुश्किल बना दिया तुमने। फिर बच्चे खुद ही सोच सोच कर मुश्किल बना देते हैं, लेकिन स्मृति स्वरूप के संस्कारों को इमर्ज करो। याद करना किसको? परमात्मा को, हर चीज़ के लिए, हर सोच बोल और कर। जैसे कि एक छोटा बच्चा पूछता अपने माता पिता को बचपन में कि पापा मम्मी यहाँ करो, पापा मम्मी जाओ, पापा मम्मी उठो, पापा मम्मी खाओ, पापा मम्मी सो। उसी तरीके से बाबा को भी वैसे ही संबंध में जोड़ना।
लेकिन स्मृति स्वरूप के संस्कार को इमर्ज करो, तो ये संस्कार को इमर्ज करो तो समर्थी आ जाएगी। तो समर्थी मतलब हम केपेबल हो जाएंगे कि हमेशा ही हम सही पालना के द्वारा हम सही कर्म कर पाए। तो बाबा आज हमसे ये चाहते हैं, परमात्मा ये चाहते हैं, लेकिन ये समर्थी स्वरूप बने कैसे, इसके लिए आपको ब्रह्म कुमारी इसका 70 कोर्स करना जरूरी है। इसके साथ ओम शांति।